तो दोस्तों, क्या आप भी चाहते हैं यूट्यूब चैनल के ऊपर दूसरों के वीडियो से पैसा कमाना, मतलब कॉपी पेस्ट करके पैसा कमाना? जैसे मान लीजिए एग्जांपल किसी और की वीडियो होती है और उन वीडियोस को कटवट करके अपने चैनल के ऊपर अगर हम अपलोड करते हैं तो उस वीडियो से क्या एक्चुअल में पैसा कमा सकते हैं? नहीं, मतलब 4000 घंटे का वो उस टाइम भी पूरा कर सकते हैं? नहीं, 1000 सब्सक्राइबर भी आपके पूरे हो सकते हैं? नहीं। तो आज की इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक के ऊपर बात करूंगा और यहां पर आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर विद प्रूफ दिखाऊंगा कि YouTube चैनल के ऊपर कॉपी पेस्ट करके बिना किसी कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक के, बिना कॉपीराइट स्ट्राइक के आप अपने चैनल के ऊपर 4000 घंटे का वॉच टाइम भी पूरा कर सकते हैं और 1000 सब्सक्राइबर भी आप कंप्लीटली पूरा कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बता देता हूं। तो उससे पहले मैं आपको लेकर चलता हूं आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और वहां पर मैं आपको विद प्रूफ दिखाऊंगा कि कैसे 4000 घंटे का वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर, वो भी बिना किसी स्ट्राइक के, आपके चैनल के ऊपर कंप्लीट हो सकते हैं। और जब आप अपने चैनल को अप्लाई करोगे तो यहाँ पर मैं आपको सारी डिटेल दिखा देता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पर चलते हैं मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पर और फाइनली आपको डायरेक्टली विद प्रूफ सारा डिटेल मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, तो सिंपली दोस्तों मैं यहाँ पर आ गया हूँ अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और यहाँ पर मैं आपको गूगल क्रोम के अंदर जाकर दिखाता हूँ पूरा प्रूफ। सबसे पहले आपको ये समझ लेना है, आप ये जान लीजिए कि सौरव जोशी को आप जानते होंगे, जो कि जिनका व्लॉग का एक चैनल है और वो अपने चैनल के ऊपर फाइनली व्लॉग्स की वीडियो अपलोड करते हैं, बहुत ज़्यादा पॉपुलर यूट्यूबर हैं। तो दोस्तों आप पीयूष जोशी को भी जानते होंगे जो कि सौरव जोशी के भाई हैं और उनके व्लॉग में वो काम करते हैं, मतलब उनके साथ में वो रहते हैं, ठीक है? तो उन्होंने रिसेंटली एक चैनल बनाया था पीयूष जोशी गेमिंग चैनल के नाम से, मतलब पीयूष जोशी गेमिंग, जिसके ऊपर वो गेमिंग वीडियोज़ अपलोड करते हैं। उसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ पीयूष जोशी गेमिंग ये वाला चैनल है, लेकिन एक्चुअल में ये वो वाला चैनल नहीं है क्योंकि उनके चैनल के ऊपर 2 मिलियन के आसपास सब्सक्राइबर होने वाले हैं कंप्लीट। तो यहाँ पर सिंपली मैं आपको दिखाता हूँ एक वीडियो। ओके, तो ये एक्चुअल में एक शॉर्ट वीडियो है, आप देख सकते हैं ये 26 सेकंड की वीडियो है। दूसरा दोस्तों, ये किस चैनल के ऊपर अपलोड है मैं आपको यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ, ये पीयूष जोशी गेमिंग का किसी व्यक्ति ने एक चैनल तैयार किया है। आपको मैं यहाँ पर इसका इंटरफेस दिखा देता हूँ, यहाँ पर मैं वीडियोस दिखा देता हूँ आपको सारी जो भी इस चैनल के ऊपर अपलोड हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पीयूष जोशी और ये पीयूष जोशी गेमिंग और दोस्तों सौरव जोशी, ये सौरव जोशी और पीयूष जोशी की काफ़ी सारी ऐसी वीडियोस चैनल के ऊपर अपलोड हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सब शॉर्ट्स वीडियो हैं जितनी भी हैं। अब आप यहाँ पर सारा मैं आपको स्क्रॉल करके दिखाता हूँ, गेमिंग से रिलेटेड ये बंदा पहले वीडियो अपलोड किया करता था, लेकिन अब ये पीयूष जोशी से रिलेटेड वीडियो अपलोड कर रहा है, वो भी शॉर्ट में। क्योंकि दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, जो ये शॉर्ट का वीडियो अपलोड करता था अपने चैनल के ऊपर, तो अब रिसेंटली पीयूष जोशी के नाम से एक चैनल बना है। तो ये जो तीन कीवर्ड हैं अभी फ़िलहाल ट्रेंड में है, मतलब बहुत ज़्यादा लोग इन कीवर्ड्स को सर्च कर रहे हैं, क्योंकि इन कीवर्ड को सर्च करने से आसानी से उनको पीयूष जोशी की वीडियो देखने को मिल जाती है। तो रिसेंटली पीयूष जोशी नाम पे एक ओरिजिनल चैनल बना तो है ही, तो ट्रेंड में आजकल ज़्यादा ही चल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग ही इस व्यक्ति ने, इस बंदे ने ये चैनल तैयार किया है पीयूष जोशी के नाम से। क्योंकि पीयूष जोशी का जो चैनल सर्च करेगा तो इसका चैनल को भी बूस्टअप मिलेगा, मतलब इसका यूट्यूब चैनल भी सर्च में आएगा, उसके अकॉर्डिंग इसकी वीडियो के ऊपर बहुत ज़्यादा व्यूज़ आते रहेंगे। फिलहाल रिसेंटली आप देख सकते हैं यहाँ पर 54,000 व्यूज़ ऑलरेडी इसकी वीडियो पर हैं, जो कि इसने सिर्फ 4 घंटे पहले अपलोड की है। दूसरा 11,000 यहाँ पर 5 घंटे पहले इनने अपलोड की थी, जिसके ऊपर 11,000 व्यूज़ हैं। दोस्तों 101,000 व्यूज़ इसकी वीडियो पर 16 घंटा पहले आ चुके हैं। और दोस्तों 226,000 आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि एक शॉर्ट वीडियो है 34 सेकंड की। दोस्तों 434,000 यहाँ पर मौजूद है। तो मैं आपको यहाँ पर इसलिए ये चीज़ दिखा रहा हूँ क्योंकि ये कीवर्ड जो पीयूष जोशी गेमिंग के नाम पर है वो बहुत ज़्यादा सर्चिंग में है, बहुत ज़्यादा लोग इसके चैनल को सर्च कर रहे हैं जो पीयूष जोशी का चैनल है। अब मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर इतने ज़्यादा हज़ार लाखों में इसके व्यूज़ आए हैं, तो एक्चुअल में ये समझ जाएं आपके यहाँ इस YouTube चैनल के ऊपर 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट हो चुका है। मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ अबाउट में जाकर ये चैनल कब तैयार हुआ है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं ज्वाइन इट 5/28/2020, मतलब 2 साल के आसपास इस चैनल को, इस आईडी को क्रिएट हुए हो चुके हैं। और दोस्तों पीयूष जोशी जो गेमिंग चैनल है वो रिसेंटली अभी यानी इसी महीने तैयार हुआ है, मतलब इसको अभी 10-15 दिन भी यहाँ पर नहीं हुए हैं, जबकि ये आईडी पहले की है। तो उसको चैनल को देखने के बाद में इसने अपने यूट्यूब चैनल पर उस मतलब पीयूष जोशी की वीडियो को यहाँ पर अपलोड कर दिया है शॉर्ट में। तो अब मैं आपको बता देता हूँ, अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों इस बंदे के यहाँ पर कितने ज़्यादा व्यूज़ हैं। अब आप ये समझ सकते हैं, मतलब 266,527 ऑलमोस्ट इसके चैनल के ऊपर वॉच टाइम कंप्लीट हो चुका होगा और सब्सक्राइबर भी इसके
फिलहाल तो हाइड है, मतलब 1000 से ज़्यादा हो चुके होंगे आप समझ सकते हैं, क्योंकि जिसके इतने ज़्यादा हज़ारों में लाखों में व्यूज़ आ रहे हैं तो उसके ऊपर 1000 सब्सक्राइबर्स आना इतनी बड़ी बात नहीं है। सब्सक्राइबर ठीक है, वॉच टाइम भी ठीक है, इसके आसपास ही लग गया होगा 4000 घंटे के आसपास, इसको दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पर बात आती है कि ये व्यक्ति, ये जो भी पर्सन अपने इस YouTube चैनल के ऊपर वीडियोज़ को अपलोड कर रहा है, पीयूष जोशी की, ठीक है, इसके ऊपर इसको बहुत ज़्यादा बूस्ट अप मिलने वाला है फ्यूचर में भी, और बहुत ज़्यादा मिलेगा, और अब भी मिल रहा है और मिलता रहेगा। तो उसके अकॉर्डिंग जब इसके YouTube चैनल पर दोनों क्राइटेरिया पूरे हो जाएंगे, 1000 सब्सक्राइबर वाले ये जो कि ऑलरेडी हो चुके होंगे, दूसरा 4000 घंटे का वॉच टाइम भी इसका कंप्लीट होने को होगा, तो जब अपने चैनल को फाइनली ये भेजेगा अंडर रिव्यू में, अंडर रिव्यू में जाने के बाद इसके चैनल पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। अब मैं आपको बता देता हूँ, मैं मान लेता हूँ ये कीवर्ड पीयूष जोशी बहुत ज़्यादा सर्चिंग में आ रहा है, सर्च कर रहे हैं लोग इसको, तो उसके वजह से इसके वीडियो पर बहुत ज़्यादा व्यूज़ आते रहे हैं और आते भी रहेंगे फ्यूचर में। बट इसके चैनल की कंडीशन मैं आपको पहले से बता देता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर इसको कोई भी वीडियो को प्ले करके आपको दिखाता हूँ, मैं ले लेता हूँ, ठीक। अब आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर एक भी एड शो नहीं हुई है, क्योंकि इसके चैनल पर मैं मानता हूँ कि मोनेटाइजेशन अभी तक इनेबल नहीं हुआ होगा। लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, कॉपी पेस्ट किया है इसने यूट्यूब चैनल के ऊपर। अब कॉपी पेस्ट कैसे किया है, जैसे सौरव जोशी की वीडियो को शॉर्ट में यहाँ पर अपलोड कर दिया है, और मैं गारंटी लेता हूँ दोस्तों कि इस व्यक्ति का, इस पर्सन का चैनल फ्यूचर में कभी भी मोनेटाइज नहीं होगा। क्योंकि मैं आपको बता दे रहा हूँ, मान लीजिए इस चैनल के ऊपर पहले मोनेटाइजेशन इनेबल होता, उसके बाद में सौरव जोशी के 27 सेकंड के, 28 सेकंड के, ये 31 सेकंड के ये शॉर्ट वाले वीडियो अगर अपलोड करता, तो उसके चैनल के ऊपर मुझे लगता है कि शायद ज़्यादा प्रॉब्लम ना आती, मतलब कंटिन्यूसली उसके चैनल पर ऐड चल रही होती और ये मोनेटाइजेशन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली थी। क्योंकि YouTube अपनी तरफ से बोलता है कि आप किसी का अंडर 1 मिनट का कोई भी क्लिप सैम्पलिंग तौर पर यूज़ कर सकते हो। मैं आपको वीडियो के अंदर, मैं पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ कि आप किसी का सैम्पलिंग, शॉर्ट सैम्पलिंग, कोई भी शॉर्ट सैम्पल के तौर पर अपलोड कर सकते हो अपने चैनल पर, तो उससे चैनल के ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगर आप अपने चैनल के ऊपर अपलोड करोगे तो आपको कोई स्ट्राइक, कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक, कॉपीराइट स्ट्राइक या कोई क्लेम बिल्कुल नहीं आएगा। लेकिन चैनल की गारंटी मैं लेता हूँ, चैनल बिल्कुल भी मोनेटाइज नहीं होगा, मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि रिसेंटली ये चैनल पीयूष जोशी के नाम का जो ओरिजिनल चैनल है वो अभी बना है, और उसने भी यही चैनल अभी बनाया है। जब चैनल अंडर रिव्यू में जाएगा, तो अंडर रिव्यू में जाने के बाद ये चैनल फाइनली अटकने वाला है, क्योंकि इसके ऊपर रीयूज कंटेंट है, और वो भी एक बहुत बड़े यूट्यूब क्रिएटर का। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, यूट्यूब के ऊपर इसको स्ट्राइक अगर पर्सनली चाहे तो पीयूष जोशी भेज सकता है, सौरव जोशी भी भेज सकता है अपने हाथ से, लेकिन एल्गोरिथम इस चैनल को बिल्कुल भी मोनेटाइज नहीं करने वाला है। तो मैं आपको यहाँ पर बताने इसीलिए इस वीडियो में आया था कि कॉपी पेस्ट करना बहुत लोग चाहते हैं, बहुत लोग चाहते हैं कि हम दूसरे किसी ट्रेंड के ऊपर किसी का भी क्लिप अगर यूज़ कर लें तो हम हो सकता है वायरल हो जाएं, और उसके ट्रेंडिंग टॉपिक के ऊपर कोई वीडियो बना दे तो फाइनली हम हो सकता है वायरल हो जाएं। मैं मानता हूँ ट्रेंडिंग टॉपिक के बेस पर कोई भी व्यक्ति वायरल हो सकता है, 99% चांस रहते हैं। बट अगर आप किसी का इसी तरह से कंटेंट कॉपी करते हो और अपने चैनल को अंडर रिव्यू में भेजते हो, तो आपके चैनल के ऊपर मोनेटाइजेशन बिल्कुल भी इनेबल नहीं होगा, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। और अगर हाँ, आप शौक के तौर पर अपने चैनल के ऊपर इस तरह की वीडियो अपलोड करते हो और आपको मोनेटाइजेशन की टेंशन नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका यूट्यूब चैनल नॉर्मली ऐसे ही चलता रहेगा, आपके चैनल के ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो यहाँ पर मैं ये चीज़ आपको समझा देता हूँ दोस्तों, अगर आप कॉपी पेस्ट का काम करना चाहते हैं तो दोस्तों वो होता है तरीक़ों से। मान लीजिए एग्जाम्पल, आपने कोई वीडियो तैयार किया अपना, कोई भी वीडियो बनाया, जैसे मान लीजिए किसी भी बेस पर आप वीडियो बनाते हैं, उसके अंदर 30 सेकंड का या 60 सेकंड का, 1 मिनट का या 2 मिनट का भी कोई भी क्लिप यूज़ कर लेते हैं, तो उसके अंदर आपकी जो क्रिएटिविटी होती है वो ज़्यादा होनी चाहिए, और जिसका कंटेंट आप यूज़ करते हो और उसको अपनी वीडियो को मैं यूज़ कर लेते हो, मतलब मान लीजिए आपने 5 मिनट की वीडियो बनाई है और 1 मिनट या 2 मिनट का, ज़्यादा नहीं 2 मिनट का किसी का भी कोई भी सीन, कोई भी वीडियो यूज़ कर लिया, तो आपका चैनल जब अंडर रिव्यू में जाएगा तो आपके चैनल को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर आपकी क्रिएटिविटी ज़्यादा होगी और वो वीडियो रियल में आपका होगा। आप अपनी वीडियो के अंदर किसी का जो है कॉपीराइटेड कोई भी कंटेंट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली किसी यूट्यूबर की वीडियो को उठाकर अपने चैनल पर आप अपलोड करने के बाद अपने चैनल का मोनेटाइजेशन इनेबल नहीं करा सकते। तो यहाँ पर ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ
ट्रेंड के बेस पर किसी की वीडियो को यूज़ करके आप अपने चैनल को तो ग्रो कर सकते हो, बट आप अपने चैनल को मोनेटाइज नहीं कर सकते। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। ये जो भी बंदा है अपने चैनल को मतलब टाइम वेस्ट कर रहा है अपने चैनल के ऊपर, मैं मानता हूँ इसकी व्यूज़ बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा इसको ग्रोथ मिल रही है यूट्यूब चैनल के ऊपर, बट इसके यूट्यूब चैनल के ऊपर कभी भी मोनेटाइजेशन इनेबल नहीं होने वाला है। और अगर आप आइडिया लगाते हो कि शॉर्ट सैम्पलिंग से इसका चैनल उसकी वजह से मोनेटाइज हो जाएगा, इसके चैनल पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन दोस्तों मैं गारंटी लेता हूँ कि यहाँ पर इसने सौरव जोशी के भाई की वीडियो को यूज़ किया है, तो यहाँ पर इस चैनल के ऊपर फाइनली डायरेक्टली कभी भी मोनेटाइजेशन इनेबल नहीं होगा, क्योंकि इसने अपने वीडियो के अंदर सारे वही कंटेंट यूज़ किए हैं जो कि प्रॉपरली 100% किसी और दूसरे व्यक्ति के हैं। तो दोस्तों ये चीज़ क्लियर करने में इसलिए इस वीडियो में आया था, अगर आप किसी भी व्यक्ति का डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करते हैं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, डायरेक्टली मान लो किसी की 5 मिनट की वीडियो है और डायरेक्ट आपने उसको अपने चैनल पर अपलोड कर दिया एडिट करके, तो आपका चैनल फ्यूचर में मोनेटाइज नहीं होने वाला है, लेकिन आपके चैनल के ऊपर 4,000 घंटे आसानी से पूरे हो जाएंगे और व्यूज़ भी बहुत ज़्यादा आएंगे और आपका जो सब्सक्राइबर बेस है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, लेकिन चैनल फ्यूचर में मोनेटाइज नहीं होगा। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, आपको अपनी ही वीडियो क्रिएट करनी चाहिए। मतलब मैं समझता हूँ कि 95% कंटेंट आपका होना ज़रूरी है, 5% आप किसी का भी यूज़ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। सभी करते हैं, हम भी करते हैं किसी ना किसी का कंटेंट, कोई छोटा सा वीडियो अपने वीडियो के अंदर ऐड उसको मर्ज करके अपनी वीडियो में ऐड कर देते हैं तो और उसको यूज़ कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन किसी और के कंटेंट के आधार पर हम अपने चैनल को नहीं चला सकते, नहीं मोनेटाइज करा सकते। तो इन चीज़ों से बचने के लिए, आप लोगों को इन चीज़ों से बचाने के लिए ही ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ। आपका चैनल फ्यूचर में ग्रो तो हो सकता है बट मोनेटाइज नहीं हो सकता, लेकिन ऐसे चैनल को बनाने से, ऐसे चैनल के ऊपर मेहनत करने से क्या फ़ायदा जिसके ऊपर मोनेटाइजेशन अनेबल ही ना हो और आपके चैनल के ऊपर कभी फ्यूचर में अर्निंग ही ना हो। तो इस चीज़ को आपको फोकस करना है, ध्यान रखना है अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। सो दोस्तों आई थिंक, मुझे लगता है कि यहाँ पर जो चीज़ मैंने क्लियर की है आप लोगों को आसानी से समझ में आ गई होगी। सो दोस्तों मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।